दोस्तों, मैं गुणमानी एक बार फिर आप सभी का एक नए वीडियो के साथ में मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको BSTC 2024 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिलअप करते हैं, तो उसका जो पूरा प्रोसेस है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो गाइस, जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अंत में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। अब आपको सबसे पहले BSTC 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2024 की जो मेन वेबसाइट है उस पर आना होगा, जिसकी लिंक मैंने ऑलरेडी चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, जिसकी सहायता से आप डायरेक्टली इसकी जो मेन वेबसाइट है उस पर आ सकते हैं, जैसा कि वीडियो में बताया गया। जैसे आप इस पर आ जाएंगे तो उसके बाद में आपको क्या करना है, इस पर आपको फॉर्म 2024 इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन है, प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2024। प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2024 में आर यू ऑलरेडी हैव एन एप्लीकेशन नंबर, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ है तो आप एप्लीकेशन फिलअप करके, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करके आप प्रोसेस पर क्लिक करके अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपने ऑलरेडी, यानी कि आपने अभी तक कोई किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने सबसे पहले आपको बोनाफाइड डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गृह राज्य कौन सा है उसे आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। जैसे आप अपना गृह राज्य सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद में आपको बोनाफाइड डिस्ट्रिक्ट यह आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। तो आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको अपने एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो एग्जाम सेंटर है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट प्रीफ्रेंस और उसके बाद में सेकंड प्रीफ्रेंस ये सिलेक्ट कर लेने के बाद में आपकी जनरल डिटेल्स आपसे मांगी जाती है। सबसे पहले आपको कैंडिडेट्स नेम, यहाँ पर आवेदक का नाम आएगा, फादर्स नेम, माता का नाम, मोबाइल नंबर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो जनरल डिटेल्स है ये आपको 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार पढ़ने जरूरी है, क्योंकि आपके 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार ही आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर जो हमेशा आपके एक्टिव रहते हैं, उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ, लिंग सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको अपनी वैवाहिक स्थिति, उसके बाद में यदि आप महिला, विवाहित महिला का आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको हस्बैंड का नाम लिखना जरूरी है। उसके बाद में आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। तो आपको, जैसे आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद में आप, क्या आप निम्नलिखित क्षेत्र से हैं, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल यही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको माइनॉरिटी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी, यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो आपको अपनी कैटेगरी यस कर लेनी है, और यस करने के बाद में आपको अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो दिव्यांग कैटेगरी, उसमें यदि आप आँखों से हैं तो आपको ब्लाइंड, जैसे आपको जिस प्रकार से आपकी जो कैटेगरी है उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में डिवोर्स, यदि आप तलाकशुदा हैं तो यस करना है, विडो है तो, विधवा है तो आपको यस करना है। उसके बाद में प्रीत्यक्ता, ये सब कैटेगरी यदि आप पर लागू होती है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में डिफेंस पर्सन वार्ड रक्षा कार्मिक, यदि आप रक्षा कार्मिक है तो आपको यस करना है, भूतपूर्व सैनिक है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको ऐसे के ऐसे रहना देना है। उसके बाद में आर यू ए गवर्नमेंट सर्वेंट, यदि आप राजकीय कार्मिक है तो यस करना है, नहीं तो नो। उसके बाद में आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर लेना है। ये एड्रेस फिलअप कर लेने के बाद में यहाँ पर जो मेल आईडी है, यहाँ पर जो एक्टिव मेल आईडी है वो यहाँ पर फिलअप कर लेनी है, ठीक है। ये मेल आईडी हमेशा कैंडिडेट, यानी कि जो कैंडिडेट है उसकी ही फिलअप कर लेनी है, ताकि भविष्य में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अब मैं आपको यहाँ पर आपके आधार नंबर फिलअप करना है। आधार नंबर फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, यहाँ पर अपने पेपर किस भाषा में आपको चाहिए, इंग्लिश भाषा में या हिंदी भाषा में, जो भी आपको अपने प्रश्न पत्र का जो भाषा है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर यदि स्थायी पता वर्तमान पता के समान है तो यहाँ पर, यदि यानी कि दोनों एड्रेस समान है तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप
बारहवीं पास हैं तो आपको बारहवीं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपके बारहवीं में संस्कृत है तो आपको बारहवीं विद संस्कृत सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर अल्प भाषा, यदि आप अल्प भाषा में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ यस करना है। और जैसे ही यस कर लेंगे तो आपके सामने जो भी आपके अल्प भाषा है उसे सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप अल्प भाषा में आवेदन नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नो करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर हमेशा जनरल सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप संस्कृत में आपको डीएलएड करनी है, एसटीसी करनी है, तो यहाँ पर आपको आपके बारहवीं में संस्कृत होना जरूरी है। ये जैसे ही सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर संस्कृत सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको दोनों करना है, आपके बारहवीं में संस्कृत भी है, तो आप दोनों भी कर सकते हैं, बोथ भी कर सकते हैं। लेकिन आप केवल बारहवीं सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर जनरल ही सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर दसवीं बोर्ड का जो बोर्ड है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ईयर, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क कितने हैं, और ऑप्शनल मार्क, यानी कि मैक्सिमम मार्क और ऑप्शनल मार्क आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है, कितने में से कितने आए वो सेलेक्ट कर लेना है। तो ऑटोमेटिक जैसे आप फिलअप कर लेंगे तो आपके जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर बारहवीं का फिलअप कर लेना है। जैसे आप ये सब डाटा फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक कर लेने के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपके सामने फोटोग्राफ से संबंधित जो पेज है वो ओपन होता है, जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, ये ठीक है। जैसे आप ये सब डिटेल्स फिलअप कर लेंगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट से संबंधित जो पेज है वो ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, ये जो डाटा फिलअप करने के बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आपको शो होगा। जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू देख लेंगे तो उसके बाद में यदि आपका डाटा सही है तो आपको प्रोसेस पेमेंट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप पेमेंट प्रोसेस पर क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि 31 मई 2024 इसकी लास्ट डेट है, लेकिन गाइज आपको 31 मई 2024 का इंतजार नहीं करना है क्योंकि अंत में किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो गाइज जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।